तो बोल नहीं पाएंगे। हेलो हाँ सर, सर मैं कुछ नाम हमारे संबोधन तुम्हारे, ये तो पाठ न तो कहानी है और न तो कविता है, क्या है भाई? अभी आपको हम बताएंगे, इसको बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर। आज हम उस व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा क्या होता है। इसके बाद उसका छोटा भाई है सर्वनाम, उसको बाद में पढ़ेंगे जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अभी देखिए आपके स्क्रीन पे आता है शब्द वाचन, स्त्री, बोलिए आप, स्त्री, स्त्री, आदिल, आदिल, आदिल बोलो, स्त्री, स्त्री, पुरुष, पुरुष, ओके। अभी मैं बोलता हूँ, आप सुनिए, हाँ, क्योंकि मैं चेक कर रहा था आप लोग हो कि नहीं। देखिए विवेकानंद, दूध, पानी, चाबियों का गुच्छा, ठीक है, चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, पुस्तक, गोदावरी, सह्याद्री, हास्य, क्रोध, मिठास, भीड़, सेना, अनाज, अनाज। अब देखिए ये सब क्या है, नाम। ये सब क्या है बच्चों, नाम, 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 नाम है ना। बहुत सारी औरतें रहेंगे उसका नाम लिखेंगे हम लोग स्त्री, बहुत सारे लोग रहेंगे उनको हम बोलेंगे पुरुष। और विवेकानंद जो है ये किसी एक व्यक्ति का नाम, ठीक है ना। दूध जो है वो दूध तो मालूम है, गाय देती है, भैंस देती है। पानी, चाबियों का गुच्छा, पुस्तक, बहुत सारी पुस्तकें, गोदावरी एक नदी का नाम, सह्याद्री ये पर्वत है हमारे महाराष्ट्र में, बहुत बड़ा पर्वत है, ठीक है। हास्य, जब हंसते हैं ना तो उससे हास्य, हास्य वाली बात, क्रोध ये भावना है, अभी उसको डिटेल में बाद में बताएंगे। मिठास, भीड़, बहुत सारे लोग रहते हैं भीड़। सेना, एक ग्रुप है। अनाज, बहुत सारे अनाज। अभी देखिए इसमें मैंने आपको देखिए बताया आपको संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे आपको कोई बोल दे मिठास, मिठास से आप क्या बनाओगे, संतरे के रस में मिठास होती है, संतरे के रस में मिठास होती है, ओके। अभी मान लो बोल दिया गया किताब या पुस्तक, पुस्तक ज्ञान का भंडार है, पुस्तक ज्ञान का भंडार है, ओके। अभी मिठास शब्द का आप बताओ कि क्या, मिठास शब्द का दूसरा शब्द प्रयोग क्या होगा, कोई बताएगा। अभी संतरे के रस में मिठास होता है तो आप बोल दो गन्ने के रस में मिठास होता है कि नहीं। यस सर, यस सर। अच्छा मैं एक शब्द देता हूँ किताब, पुस्तक का बनाया आपने, पुस्तक ज्ञान का भंडार, किताब, किताब से क्या बनाओगे आप, तुम्हारे सामने ही है, तुम्हारे सामने ही है किताब, बनाओ उसको, पुस्तक ज्ञान का भंडार नहीं, आप किताब, किताब शब्द का बनाओ, किताब से हम रोज पढ़ते हैं, बन गया एक बात, एक वाक्य है कि नहीं। यस सर, अब दूध, दूध शब्द का कैसे बनाए हैं, गाय का दूध लाभदायक होता है, गाय का दूध लाभदायक होता है, ओके। अभी अभी दूध शब्द का आप बनाओ, दूध शब्द का आप बनाओ, आज का स्त्री आवरण नहीं है, नहीं नहीं वो नहीं है, दूध, दूध मैं एक शब्द देता हूँ आपको, दूध उसको अपने वाक्य में प्रयोग करो, ऐसा वाक्य बनाओ कि दूध शब्द आ जाए, गाय दूध देती है, वेरी गुड वेरी गुड, गाय दूध देती है, हम रोज दूध पीते हैं, है कि नहीं।
ये भी बता सकते हैं ना, हम रोज दूध पी, हम प्रतिदिन दूध पीते हैं, दूध शब्द आ गया ना बस। अच्छा, आज की स्त्री अबला, स्त्री शब्द है, स्त्री देखिए ना, पहला शब्द वाचन में पहला शब्द है स्त्री है कि नहीं है? Yes. हाँ, उसको अगर अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आज की स्त्री अबला नहीं है, आज की स्त्री अबला नहीं है। अगर हम दूसरे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या बोलेंगे, हमें आज के समाज में स्त्री और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलते है या अपना काम दे चलते हैं, मतलब रोड पे नहीं, देश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और दूसरा है देखो, पांचवा है पुरुष, पुरुष शब्द, पुरुष यानी मेल, हर पुरुष को नारी का सम्मान करना चाहिए। बोलो सब लोग, हर पुरुष को नारी का सम्मान करना चाहिए, हर पुरुष को नारी का सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। गोदावरी नदी है नासिक के, नासिक शहर है ना महाराष्ट्र में, तो गोदावरी नदी, ओके। अब इसका कैसे बनाएंगे, गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर है, गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर है। अच्छा ओके ओके, अभी बता रहा हूँ। अच्छा, यमुना, यमुना नदी है ना, पता है ना आपको? यस सर, यस सर। पिछले पार्ट में, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, मथुरा गए थे, मथुरा है कि नहीं? हाँ. पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था ना मथुरा, कौन गया था मथुरा भाई? रामदास, गजानन भाव मथुरा गए थे, गजानन भाव मथुरा गए थे। तो मथुरा शहर कहाँ है? यमुना नदी के किनारे, ठीक है ना? यस सर। ओके, क्रोध मतलब गुस्सा, क्रोध यानी मानव का दुश्मन है। ओके, क्रोध यानी गुस्सा, क्रोध मानव का दुश्मन है, कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, यदि गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये भी संज्ञा ही है, क्रोधी संज्ञा नहीं है, क्रोध संज्ञा है। बाजार में आजकल भीड़ कम है, भीड़ क्यों कम है पता है आपको? यस सर। कौन बताएगा? वर्षा, वर्षा बताओ। सर, सर कोरोना है। आदिल बताओ, आदिल, वेरी गुड वेरी गुड। कोरोना है इसलिए सब लोग को डिस्टेंसिंग रखना है, और जरूरी रहेगा तो ही आप बाजार में जाइए, ठीक है? हाँ। अब ये थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा है, हाँ अभी आ गया, आ गया ना? वर्षा शब्द, वर्षा, वर्षा के मौसम में पानी उबाल कर पीना चाहिए। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? बारिश का मौसम चल रहा है ना? हाँ, तो yes, पानी sir. उबाल के पीना चाहिए, इससे बहुत सारी बीमारियां कम होती है, ठीक है? लेकिन हमें मौसम समझ में आ रहा है कि आपको? ये सारे देखो, स्त्री पुरुष विवेकानंद दूध पानी चाबियों का गुच्छा पुस्तक गोदावरी सह्याद्री हास्य मिठास भीड़, ये सब जो है संज्ञा शब्द हैं। कौन से शब्द है बच्चों? संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द हैं। ओके ओके, अभी देखो आप संज्ञा किसे कहते हैं? हाँ, संज्ञा किसे कहते हैं? पेज नंबर देखो, दो मैंने निकाला संज्ञा, किसी व्यक्ति, व्यक्ति किसी, देखो जब मैंने रेड रेड देखो, रेड मैंने वो किया हुआ है ना, देख रहे हो? यस सर।
एक रेक्टेंगल बनाया रेड रेड का, देखो उसपे संज्ञा लिखा हुआ है ना। यस सर। फर्स्ट पेज पे नहीं, इधर दूसरे वाले राइट हैंड वाले पेज पे। हाँ yes. संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पशु पक्षी गुण अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति मतलब इंसान, व्यक्ति मतलब इंसान, चाहे जो भी है, कैसे भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, तो उसको सब मिला के हम क्या बोलते हैं ग्रामर में, व्याकरण में, संज्ञा। वस्तु किताब हुआ, कॉपी हुआ, है कि नहीं, अनाज हुआ, ब्लैकबोर्ड हुआ, पेन हुआ, पेंसिल हुआ, इन सबके नाम को किसको बोलते हैं, इन सबका जो नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा बोलो, संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा। हाँ एक साथ बोलो, संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा। वेरी गुड। स्थान, स्थान मतलब मुंबई, खार, है ना, सांता क्रूज, भारत, महाराष्ट्र, ये सब स्थान के नाम है ना। यस सर, यस सर, यस सर, ये सब स्थान के नाम है। विले पार्ले, माटुंगा, दादर, है कि नहीं, ये सब एक जगह के नाम है, जगह के नाम है कि नहीं है। यस सर। इनको, इन सब नामों को हम संज्ञा बोलते हैं। इसके बाद देखो पशु पक्षी, पशुओं में नाम आता है, गाय हुई, भैंस हुआ, है ना, शेर हुआ, बाघ हुआ, चीता हुआ, ये सब। चमगादड़, हाँ चमगादड़ तो पक्षी में आया, पशु में नहीं आया, ठीक है कोई बात, वो भी नाम है। और पक्षियों में जो तोता है, वो तोता, मैना, कबूतर, कबूतर, और बताओ गौरैया, हाँ वेरी गुड, मोर, मोर, हाँ बुलबुल, कोयल, कोयल, हाँ हाँ बराबर, वेरी गुड। अभी गुड़, गुड़ यानी किसी चीज का गुण, जैसे रस, रस कैसा है, मिठास है, रस में क्या है, मिठास, मिठास है, हाँ ये हुआ आपका गुड़, ठीक है। गन्ने के रस में क्या है, मिठास, मिठास है, हाँ। नीम की पत्ती कैसे होती है, कड़वी, कड़वी, हाँ, तो ये सब, ये भी क्या है, ये भी संज्ञा, भाव, भाव, भाव यानी जब गुस्सा होते हैं, क्रोध, ठीक है, क्रोध। और जब कोई अच्छी, कोई हंसने वाली बात होती है तो हम हंसते हैं, हाँ उसको बोलते हैं हास्य, ये भाव है बेटा, हंसने, हास्य, इसको भी हम संज्ञा करते हैं, ठीक है। yes, तो आप इसको अगर याद करना होगा तो कैसे याद करेंगे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, बोलो, पशु पक्षी, पशु पक्षी, गुड, गुड, अथवा, 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 भाव, भाव के नाम को, भाव के नाम को, नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ओके ओके। अभी इसके पहले हम लोगों ने शब्द प्रयोग पढ़ा, ठीक है, अभी हम, मैं आपको एक शब्द देता हूँ, अनाज, अनाज अपने वाक्यों में प्रयोग करो, अनाज, अनाज संज्ञा शब्द है कि नहीं है, हम अनाज खाते हैं, हाँ वेरी गुड, हम अनाज, किसान अनाज उगाते हैं, वेरी गुड, देखिए आ रहा है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बच्चे भाई, तो हमारे देश में अनाज उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। अभी कौन से अनाज का उत्पन्न हो रहा है, धान, धान का अभी खेती हो रही है ना पूरे देश में, हाँ तो धान भी, धान भी संज्ञा है, धान जो है, चावल, धान वो भी संज्ञा है। एक विवेकानंद, एक नाम है, देखिए विवेकानंद, विवेकानंद का क्या बताया गया हम लोगों को, देखिए जोर से थोड़ा, एक मिनट,
विवेकानंद महान धर्म प्रचारक थे, है ना? एक व्यक्ति का नाम, जैसे मैंने आपको एक नाम दिया रमेश, रमेश नाम से बनाओ, रमेश रमेश नाम का प्रयोग करो। रमेश एक लड़का है। वेरी गुड, रमेश क्रिकेट रमेश क्रिकेट खेलने जाता है, रमेश क्रिकेट खेलने जाता है, ठीक है। अच्छा, चाबियों का गुच्छा, चाबियों के गुच्छे, है ना? सबके पास है ना? है जी नहीं? मम्मी के पास रहता है कपाट, कपाट में देखो, कपाट में चार पांच चाबियां रहती है ना, उसको चाबियों के गुच्छे बोलते हैं, अलग अलग चाबी का नाम नहीं बोलते, ठीक है। तो अधिकतर सबके किसके पास रहता है, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आपको मालूम पड़े, दादी के पास चाबियों के गुच्छे हमेशा रहते हैं, ठीक है ना? दादी के पास चाबियों के गुच्छे रहते हैं। हम जब चुटकुले सुनते हैं ना, जोक्स, जोक्स आप सुनते हो कि नहीं? यस सर। हाँ, तो उसमें कौन सा रस निकलता है? हास्य रस। कौन सा रस निकलता है? हास्य। ओके, चुटकुले। कौन है भाई? गाना कौन चालू किया? चुटकुले हास्य रस से भरपूर होते हैं। माया वगैरह। चुटकुले हास्य रस से भरपूर होते हैं। ओके, सह्याद्री पर्वत श्रेणी में अनेक किले हैं। सह्याद्री पर्वत श्रेणी में अनेक किले हैं। सेना, सेना शब्द का उपयोग करो। सीमा पर सेना देश की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं, रहती है, क्या रहते हैं, ठीक है। सेना मालूम है ना, हमारी रक्षा के लिए कहाँ रहते हैं वो लोग? हमेशा सीमा पर तैनात। सेना हमारी रक्षा, हाँ, सेना हमारे देश की रक्षा करते हैं, करती है सेना जो है, अभी ये स्त्रीलिंग है, हाँ ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं। अभी इसका छोटा भाई है, छोटे भाई का नाम क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम। छोटे भाई का नाम क्या है? सर्वनाम। हाँ, ये बहुत सरल है ये। अभी देखो, रमेश कबड्डी खेलता है, रमेश खो खो भी खेल अच्छा खेलता है। दो बार रमेश शब्द आया ना? यस सर। ओके, रमेश कबड्डी खेलता है, रमेश खो खो भी खेलता है, खो खो भी अच्छा खेलता है। हाँ, लेकिन ऐसा हम लिखते समय अच्छा नहीं लगता, बार बार रमेश रमेश तुम ये करो, रमेश तुम वो करो, रमेश ऐसा है, रमेश वैसा है, हम लिख नहीं सकते। इसलिए हम देखो, मैंने देखो बदल दिया है थोड़ा नीचे, रमेश कबड्डी खेलता है, वह खो खो भी अच्छा खेलता है। देखो नहीं, ध्यान दो आप, रमेश कबड्डी खेलता है, वह खो खो भी अच्छा खेलता है। तो जब मैंने वह लगाया, वो अच्छा लग रहा है आपको कि बार बार रमेश बोलना अच्छा लग रहा है? वह अच्छा लग रहा है। हाँ, तो हम ये वह शब्द किसके लिए आया? रमेश के लिए आया, रमेश कबड्डी खेलता है, तो दूसरी बार रमेश न लगा के हमने क्या लगा दिया? वह लगा दिया। क्या लगा दिया? वह लगा दिया। हाँ, थोड़ा आवाज कम आ रहा है बच्चों, तो वह लगा दिया है कि नहीं? वह शब्द किसके लिए आया है? रमेश के लिए आया है ना? यस सर। रमेश की जगह हमने वह लगा दिया, तो वह शब्द किसके लिए आया है? रमेश। ओके ओके ओके, वेरी गुड। वह शब्द जो है वो रमेश के लिए आया, ठीक है ना? ऐसे देखो, अभी पीछे पाठ का भी एक बता रहा हूँ उदाहरण आपको। हाँ, पीछे पार्ट का मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनोगे और मुझे ऐसे आंसर दे दोगे। रामदास अचानक बीमार पड़ गए। रामदास अचानक, इसमें लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे तो आएगा। रामदास अचानक बीमार पड़ गए, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य, रामदास आज राजा भाऊ को याद कर रहे थे।
देखो दो वाक्य है, रामदास अचानक बीमार पड़ गए, रामदास आज गजा भाऊ को याद कर रहे थे। रामदास गजा भाऊ को याद कर रहे थे। हाँ अभी लेकिन फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दो। रामदास बीमार पड़ गए और वह गजा भाऊ को याद कर रहे थे। हाँ और वह गजा भाऊ को याद कर रहे। वेरी गुड वेरी गुड। अब इस तरह मतलब रामदास के लिए वह शब्द आया, इसी को हम सर्वनाम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। हाँ जो शब्द, इसे बोल दीजिए, जो शब्द संज्ञा के बदले में बोला जाता है, संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। बोलो सब लोग। संज्ञा के बदले में जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं है ना, मैं, तू, तुम, हम है ना, अपने आप, यह, वे, आप, वह, कुछ, कोई, कौन, क्या, जो, तो बहुत सारे हैं। वो तो जब प्रयोग करोगे आप उसका तब आपको पता चलेगा। ठीक है, सर्वनाम किसको किसको पता चल गया? साक्षी, साक्षी बेटा किधर हो आप? आदिल, यस सर। आदिल बताओ सर्वनाम, सर्वनाम समझ गए आप? यस सर। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा यानी नाम, संज्ञा यानी नाम, नाम के बदले। हाँ वेरी गुड। नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ मैंने अच्छे से लिख दिया आपको, दिख रहे हो ब्लैक में, दिख रहा है ना आपको? चलो आदिल पढ़ो इसको जरा। संज्ञा के बदले जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसा हम कुछ, तुम, हम, मैं, आप, हम, मैं, तू, हम, तुम, तुम, आप, यह, ये, अपने आप, वे, वह, कुछ, कोई, कौन, क्या, जो, सो, जैसा वैसा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी साक्षी आप पढ़ो, साक्षी, सिर्फ साक्षी पढ़ेंगे, साक्षी है। ओके प्रीति आप पढ़ो जरा बेटा, प्रीति नहीं, वर्षा पढ़ो। हाँ पढ़ो बेटा पढ़ो जरा। संज्ञा के बदले, बोलो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अभी देखो मैं बहुत सारे, हाँ मैं, हम, तू, तुम, आप, ये, अपने आप, वे, वह, कुछ, कौन, कोई, क्या, जो, जैसा, वैसा। वेरी गुड वेरी गुड। अभी देखो आप पूछो, मैं कुछ शब्द दिया हूँ, इसे मैं शब्द का कैसे प्रयोग करोगे? देखो मैंने लिखा है, मोहन ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ, है कि नहीं? Yes. मोहन ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ। अब देखो ये जो मैं शब्द है वो मोहन के लिए आया, किसके लिए आया है? मोहन के लिए। ओके तो मैं क्या हुआ? सर्वनाम, सर्वनाम। मैं क्या हुआ? सर्वनाम। और मोहन क्या हुआ? संज्ञा। वेरी गुड। बाजार संज्ञा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो अपने आप एक शब्द है, अपने आप है ना, दूसरा शब्द देखो आप है ना। यस सर। अपने आप रमेश, सर्वनाम रमेश अपने आप ही चला गया, रमेश अपने आप ही चला गया, चला गया, चला गया,
हाँ तो ये जो रमेश है अपने आप जो शब्द है वो क्या हुआ, वो सर्वनाम हुआ। हम, आप जाइए हम कल आएंगे, आप जाइए हम कल आएंगे, इसमें दो सर्वनाम है ना, आप और हम, आप और हम। ओके अभी आप देखो तू, कब से बुला रहा हूँ, तू सुनता क्यों नहीं, थोड़ा डांटने वाला है ना, है ना, कब yes, से बुला रहा हूँ तू सुनता क्यों नहीं, लगता उसका छोटा छोटा बदमाश बच्चा है। यहाँ तो तू शब्द आया है कि नहीं, yes, sir. हमें जल्दी तू शब्द का प्रयोग, हमें आप शब्द का प्रयोग करना चाहिए। देखो तुम, तुम तुम जो है कल से तुम दोपहर में आया करो, कल से तुम दोपहर में आया करो। हाँ तुम सर्वनाम है। अभी तुम शब्द का प्रयोग कौन करेगा बताइए, अभी करोगे आप, अपना शब्द बनाओ तुम शब्द का, नहीं हमेशा आया करो। हाँ तुम अभी तुम दोपहर को आया करो, आप बना लो, तुम सुबह आया करो, तुम खेलने जा रहे हो है कि नहीं, तुम रोज सुबह पढ़ा करो, आप तुम हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वेरी गुड, ये सब बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है ना। आप रमेश अच्छे व्यक्ति हैं, रमेश अच्छे व्यक्ति हैं, आप एक बार उनसे मिलिए, ध्यान से सुनो आप, हाँ रमेश अच्छे व्यक्ति हैं, आप एक बार उनसे मिलिए, मिलिए। यहाँ जो रमेश के लिए, रमेश अच्छे व्यक्ति हैं, आप एक बार उनसे मिलिए, ये रमेश के लिए सर्वनाम है। हाँ आप सर्वनाम है, वेरी गुड वेरी गुड। अभी यह तो बहुत सरल पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पे यह जो शब्द है वो सर्वनाम है, यह जो शब्द है वो सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम है। ये तुम्हारा पेन है, ये सर्वनाम है, पुस्तक संज्ञा है। अच्छा अभी आप बताओ, ये तुम्हारा पेन है, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, वेरी गुड। अरे अभी आ गए, सबको आ गए, वे सब खेलने गए हैं, बोलो वे सर्वनाम है, वे सर्वनाम है, वे सर्वनाम है। ओके कुछ कुछ बातें जरूरी, कुछ कुछ तो बात जरूरी, कुछ सर्वनाम है, जल्दी सर्वनाम। अभी आपको देखिए, दो ग्रामर में, व्याकरण में दो आपको संज्ञा और सर्वनाम हमने बता दिया, ठीक है। अभी आप देखो सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड, अभी आप समझ गए। अभी आप देखो फिर से, संज्ञा किसे कहते हैं बताइए, संज्ञा पढ़िए, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पशु पक्षी गुण अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ो आप, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पशु पक्षी गुण अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मैं अभी देखो आपको थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये मौखिक है, सुन के आप बता सकते हो, नहीं देखोगे तो भी चलेगा। अच्छा वस्तुओं से संबंधित जरा दो संज्ञा शब्द बताओ, जरा वस्तु से संबंधित दो संज्ञा शब्द, वस्तु वस्तु को तो समझ रहे हो ना, यस सर, क्या बताओ बताओ बताओ, पेन पेंसिल, वेरी गुड,
अगर कोई पूछे कि हाँ कुर्सी हुई, किताब हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, है ना, जो आसपास के जो भी है। हाँ, पशु, पशु वाणी जानवर, जानवर से संबंधित दो संज्ञा शब्द के नाम बताओ जरा। मैंने जानवर पाला है। नहीं नहीं ये नहीं करना, नाम सिर्फ बता रहा हूँ, नाम सिर्फ बता रहा हूँ। पशुओं के नाम बताओ। गाय, भैंस, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, है ना, एलिफेंट, घोड़ा, ये शब्द जहाँ पे आए उसको पूछा जाएगा भाई संज्ञा शब्द पहचानो, तो ये जब शब्द आएंगे तो उसका नाम रहेगा, तो आप लिख देना, ठीक है। yes, sir. अच्छा, अपना नाम, अपना नाम भी संज्ञा है, ये मैं समझू दूसरे का नाम संज्ञा है, ठीक है, जैसे आदिल हुआ, वर्षा हुई, साक्षी हुई, है ना, प्रीति हुई, अस्मिता है, अनीता है, कोमल है, नयन है, अभिषेक है, अनुराग है, गुलशन है, सोनिया है, ठीक है, वासिम है, ये सब भी संज्ञा शब्द है, ये सब भी संज्ञा शब्द। ओके, मतलब कोई भी नाम रहेगा, आप ये समझ लीजिए, कोई भी नाम, ध्यान से किताब जब एग्जाम में आए तो ध्यान से पहले उसको पढ़ो, इसके बाद जो भी नाम रहेगा इसका मतलब संज्ञा है, ठीक है ना। अभी फिर इधर चलते हैं, सर्वनाम किसको बोलते हैं, इसको जरा ध्यान से पढ़ो, फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, संज्ञा, जैसे सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा के बदले जिस संज्ञा शब्द की, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। चलो अभी और आदिल पढ़ो, आप जरा आदिल। सर्वनाम संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तो, हम, तुम, हम, तू, तुम, आप, या ये, अपने आप, वे, वह, कुछ, कोई, कौन, या, क्या, जो, तो, जैसा, वैसा दिए गए सर्वनाम का वाक्यों में प्रयोग करूं। बस वो तो अलग है यार, ऊपर एक बार स्टार्ट कर दे तो एंड नहीं करते हो क्या, वो नीचे अलग है ना, देखो स्टार मैंने मारा है, ऊपर का अलग नीचे, ओके कोई बात नहीं। चलो अभी मैं आपको कुछ शब्द देता हूँ, देखो फिर आपको कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं है वो बताना है, ठीक है, ये आपका सुन लीजिए, ओरल एग्जाम है, ठीक है ना। जैसे देखो मैं बताता हूँ, तुम ध्यान से देखो, पेन पेंसिल लिए हो ना आप, पेन पेंसिल लिए हो सब लोग, ऐसे बैठे हो, ओके ओके, देखो लिखो तुम, वह, अच्छा अच्छा, मैं आप, कितने शब्द हुए, एक दो तीन चार पांच, पांच शब्द है ना, कैसे, ओके ओके। अभी आप बताओ इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, है नहीं, नहीं है, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। आदिल आपको समझ में आया, आदिल, ओके, इसमें कौन सा शब्द, कौन, देखो तुम है वो सर्वनाम है, वह भी सर्वनाम है, मैं भी सर्वनाम, वो भी सर्वनाम, ये जो अच्छा शब्द है वो सर्वनाम नहीं है, नहीं है, ये क्या है वो आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, अभी फिलहाल इतना सर्वनाम है, ओके। दूसरा, अभी दूसरा लिखो, वे लिखो, सेकंड वे, राकेश, राकेश, तू, ये, कौन, कौन, इसमें बताइए आप सर्वनाम क्या नहीं है, राकेश, राकेश, अच्छा अब राकेश क्या है ये बता दो फिर से, संज्ञा, हाँ राकेश जो है वो संज्ञा शब्द है,
हाँ वे जो है वो सर्वनाम है, राकेश जो है वो संज्ञा है, तू सर्वनाम, ये सर्वनाम और कौन भी सर्वनाम। ठीक है अभी आप मुझे लगता है पहचान जाओगे सर ना। ओके अभी आप देखो ओके देखो अभी आप बच्चों देखो अच्छा अभी ये शब्द जो है हेलो हेलो सुन रहे हो ना आप लोग? ओके देखो देखो माँ ने बेटे से पूछा, ध्यान से सुनो हाँ। माँ ने बेटे से पूछा, बीच में खाली जगह रिक्त स्थान, अभी मैं डैश बोलूंगा हाँ, रिक्त स्थान नहीं बोलूंगा ठीक है, उसमें भरना है, खाली ध्यान से सुनो आ जाएगा आपको ये पांच प्रश्न आपको। माँ ने बेटे से पूछा डैश कब तक घर वापस आओगी, इसमें क्या रहेगा, तू रहेगा, तुम रहेगा कि आप रहेगा? माँ ने बेटे से पूछा है ना कब तक घर आओगे, तुम कब तक घर आओगे, तुम कब तक घर आओगे, तुम रहेगा। हाँ जैसे जैसे में लिखा है हम तुम लिखा है कि नहीं, यहाँ पे इसी में से आएगा जो आपके सामने है ना उसी में से कोई एक आएगा। ठीक है बेटे ने माँ से कहा, ध्यान से सुनो हाँ, बेटे ने माँ से कहा डैश चिंता मत कीजिए, इसमें क्या आएगा, मत कीजिए आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मत कीजिए। हाँ मैं डैश आ जाऊंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा। हाँ देखिए आप यहाँ जैसे जो यहाँ लिखा मैं हम तुम अपने आप ये अपने वे इसी में से कोई एक रहेगा है ना। यस सर। यह डैश कलम है जिसे मैं भूल गया था, यह वही कलम है जिसे मैं भूल गया था, यह वही कलम है जिसे कलम है पेन, कलम है नहीं पेन। ओके ओके कलम है नहीं पेन। ठीक है मैंने आज एक इस खेल में डैश कर रहा है पता नहीं चलता, कौन क्या कर रहा है पता नहीं चलता। हाँ इस खेल में कौन क्या कर रहा है पता नहीं चलता, नहीं चलता नहीं चलता। ओके ओके चंद्र नील ने कांचन से कहा डैश अभी क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मैं अभी क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मैं अभी क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। ठीक है अभी देखो लास्ट में दरवाजे पर घंटी की आवाज सुनकर लता ने कहा, दरवाजे पर घंटी की आवाज सुनकर लता ने कहा डैश तो आया है, कौन तो आया है, कोई तो आया है, कोई कौन आया है, कोई तो आया है, कौन आया है बोल सकते हो लेकिन यहाँ पे कौन लगा देंगे, कौन लगा देंगे तो कोई तो आया है। ठीक है कोई तो आया है, वेरी गुड। अभी आप इसका प्रयोग समझ में आ गया सबको? अभी हाँ हाँ अभी जो ये शब्द है कहाँ यूज होते हैं देखो, यह जो शब्द है वो किसके लिए यूज होता है, वस्तु के, वस्तु के। हाँ और ये जो है बहुत सारी चीजें रहेंगी तो ये ठीक है, वह शब्द जो है वह शब्द जो है जैसे वैसे क्या कौन, जब कोई पूछता है तो बोलते आप कौन है ठीक है, कोई जो आपको बराबर दिखाई नहीं देता है कोई ठीक है, तुम मतलब तू एक जगह रहेंगे तो तू, हम मतलब बहुत जगह रहेंगे तो हम ठीक है,
इस तरह से हम प्रयोग करते हैं सर्वनाम का, ठीक है? यस सर। फिर एक बार हम लोग संज्ञा की तरफ चलते हैं, थोड़ा उसका भी हम लोगों ने हम लोग क्या कर लेंगे प्रैक्टिस, ठीक है? अभी संज्ञा और सर्वनाम किसी किसी को पता चल गया? Yes. सभी को पता चल गया कि नहीं? ये जो yes, जो मैंने लिखा है ये आपको व्हाट्सएप पे सर डाल देंगे, फिर इसमें एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है ना? Yes, हाँ sir. Yes, sir. आपको दो चीज आ गया, संज्ञा और सर्वनाम। सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम। अभी अगर अपने पाठ में और और व्याकरण रहेगा तो नेक्स्ट में मैं ले लूंगा, ठीक है? चलो पाल सर, पाल सर,